That was a completely false and defamatory statement. In fact, my client never supplied any PPE kits for business transaction with NHM. तो भारतीय जनता पार्टी का हर आरोप हमेशा झूठा साबित हुआ है, क्योंकि ये लोग फर्जी आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर। अपने पत्नी के कंपनी को या अपने बेटे के पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दे तो वो इस देश के कानून में भ्रष्टाचार होता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो उसकी नजर में वो भ्रष्टाचार है कि नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, अपने मुख्यमंत्री को आज जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे। That was a completely false and defamatory statement. In fact, my client never supplied any PPE kits for business transaction with NHM. We have claimed damages of 100 crore civil defamation case.